हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और इस नए साल में मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम यूनिक एंड ब्यूटीफुल बॉटल डेकोरेशन आइडिया। तो आज हम बनाएंगे ये एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल बॉटल लैम्प, जिसे मैंने कस्टमाइज किया है विद सम मैसेज, क्योंकि ये बॉटल मैंने बनाई है एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड। तो इस तरह से आप भी कुछ यूनिक एंड कस्टमाइज गिफ्ट्स बनाकर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट कर सकते हैं। मैं अपने सभी न्यू व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि मैंने पहले भी कई बॉटल आर्ट के वीडियोस बनाए हैं, तो उन सभी वीडियोस को आप हमारी बॉटल आर्ट प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ग्लास बॉटल पर हम अप्लाई करेंगे एक बेस कोट जैसो का। जैसो हम यूज़ करते हैं किसी भी सरफेस को पेंटिंग या फिर डिकुपाज के लिए रेडी करने के लिए। आप यहाँ पर होममेड जैसो का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसो बनाना बिल्कुल आसान है, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है कि किस तरह से आप सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से जैसो एंड टेक्सचर पेस्ट घर पर बना सकते हैं। उसका लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। अब इस स्पॉन्ज डबर की हेल्प से हम यहाँ पर डैबिंग करेंगे ताकि ये ब्रश के स्ट्रोक्स भी यहाँ पर नहीं दिखेंगे और इससे एक स्मूथ टेक्सचर आएगा। तो जब तक ये ड्राई हो रहा है, हम अपना डिज़ाइन प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इस तरह से इस पिक्चर का मैंने प्रिंट आउट लिया है और इसे मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। अब इस कटआउट को यहाँ बॉटल पर प्लेस कर हम इसे लाइटली इसका एक आउटलाइन ट्रेस करेंगे। आप चाहें तो इसे ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से पेपर से डायरेक्टली यहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं, बट मुझे इसका एग्जैक्ट प्लेसमेंट देखना था तो इसलिए मैंने इसे कट कर और फिर यहाँ पर इसका आउटलाइन ट्रेस किया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिकुपाज। तो उसके लिए मैं ये प्रिंटेड टिश्यू पेपर का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ये 2-ply टिश्यू पेपर है, तो इसकी दोनों लेयर्स को मैंने यहाँ पर सेपरेट कर लिया है। फ्लावर्स की डिज़ाइंस को यहाँ पर कट करने के लिए हम वेट ब्रश का यूज़ करेंगे, हमें सीजर का यूज़ नहीं करना है। आपको बिल्कुल हल्का सा ब्रश को पानी में गीला करना है और इस तरह से यहाँ पर आउटलाइन बनाकर पैटर्न्स को कट करना है। ये टिश्यू पेपर बहुत ही थिन और डेलिकेट पेपर होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा पानी ब्रश में नहीं लेना है। बिल्कुल हल्का सा पानी लेकर यहाँ पर आउटलाइन बनानी है और पैटर्न्स को कट करना है। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है ऑन डिकुपाज फॉर बिगनर्स, सो इफ़ यू आर न्यू टू डिकुपाज, आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है। और ये देखिए, हमारे फ्लावर्स के कटआउट्स भी रेडी हैं। डिकुपाज के लिए हम यहाँ पर मॉडपॉज का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये मार्केट वाला मॉडपॉज अवेलेबल नहीं है, तो आप सिंपली वाइट ग्लू एंड वाटर को 1:1 के रेशो में मिक्स कर उसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको फ्लैट ब्रश की हेल्प से यहाँ पर मॉडपॉज अप्लाई करना है और पेपर कटआउट्स को यहाँ पर स्टिक करना है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि ब्रश हमेशा आपको आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, ताकि जो हमारा पेपर कटआउट है उसमें रिंकल्स ना पड़े। और हमारे डिज़ाइन को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में स्टिक करना है, क्योंकि अगर हम बड़ा पेपर एक साथ स्टिक करेंगे तो उसमें रिंकल्स आ जाएंगे। डिकुपाज एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म होता है, इसे हम पेंटिंग विद पेपर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम प्रिंटेड एंड कलरफुल पेपर्स के कटआउट्स को यहाँ पर स्टिक कर पैटर्न क्रिएट करते हैं और वो बिल्कुल पेंटिंग की तरह लगता है। आप डिफरेंट तरह के पेपर से डिकुपाज कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटेड टिश्यू पेपर, गिफ्ट पेपर, न्यूज़पेपर, या फिर सिंपली आप अपने फेवरेट पैटर्न या डिज़ाइन का प्रिंट आउट लेकर उससे भी डिकुपाज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सभी पेपर के कटआउट्स को यहाँ पर स्टिक कर दिया है और अब इसे हमें पूरी तरह से ड्राई होने देना है। और अब ड्राई होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है पेंटिंग। तो जो हमारा बेस है वहाँ हम पेंट अप्लाई करेंगे और जो हमारे कटआउट्स की एजेस हैं उसे हम पेंट से मर्ज कर देंगे। यहाँ पर मैं वाइट एक्रिलिक पेंट का यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
पेंट अप्लाई करने से हमारे पेपर कटआउट की एजेस अलग से नहीं दिखेंगी और इसमें एक फिनिशिंग टच आएगा। तो इस तरह से बॉटल के बेस एरिए पर मैंने पेंट अप्लाई किया है और अब इसे एक स्मूथ और फिनिशिंग टच देने के लिए मैं स्पॉन्ज से यहाँ पर डैबिंग करूँगी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ब्रश से भी यहाँ पर पेंट अप्लाई कर सकते हैं। और इसे हमें अब कम्प्लीटली ड्राई होने देना है। अब इसे एक फिनिशिंग टच देने के लिए मैं यहाँ पर ये छोटे छोटे फ्लावर बर्ड्स के जो कटआउट्स हैं उन्हें भी यहाँ पर स्टिक कर रही हूँ, इससे कि हमारा जो पैटर्न है उसमें एक रियलिस्टिक एंड ब्यूटीफुल लुक आएगा। तो ये देखिए हमारा डिकुपाज पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले इस ब्लैक कलर के परमानेंट मार्कर की हेल्प से मैं यहाँ पे एक आउटलाइन बनाऊंगी। आप चाहें तो डायरेक्टली पेंट से भी इसे कर सकते हैं, बट मार्कर की हेल्प से ये थोड़ा इजी हो जाता है। और फिर आउटलाइन बनाने के बाद इसे हम ब्लैक कलर से पूरा फिल कर देंगे। ये एक सिल्हुएट इमेज है तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर ब्लैक कलर से पूरा पेंट किया है। अब नेक्स्ट हम इसका ड्रेस वाला पोर्शन डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ग्लिटर का यूज कर रही हूँ, इससे एक बहुत ही गॉर्जियस लुक आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे ग्लू या मॉडपॉज अप्लाई करना है और फिर ग्लिटर को यहाँ पर स्टिक करना है। बिल्कुल लाइट हैंड से हम यहाँ पर थोड़ा टैपिंग करेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब इस ड्राई ब्रश की हेल्प से हम इसे प्रॉपर शेप देंगे और जितना भी एक्सेस ग्लिटर आ गया है उसे हम यहाँ से क्लीन अप कर देंगे। फ्रेंड्स, ग्लिटर पेंटिंग का यूज करके मैंने ये ब्यूटीफुल सा गॉर्जियस पॉटल आर्ट भी बनाया है। इसका भी लिंक मैंने आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो। और इसे भी अब हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ इस तरह के आर्टिफिशियल फ्लावर्स का। ये मेरे एक पुराने बुके के फ्लावर्स थे जिसमें से कुछ अच्छे फ्लावर्स थे, उन्हें मैंने काफ़ी दिनों से संभाल के रखा था। टू यूज़ दिस इन माई आर्ट वर्क, इन सभी पेटल्स को मैं यहाँ पर पिंक कलर से पेंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे पिंक फ्लोरल थीम देना है। अगर आपके पास पिंक कलर के फ्लावर्स अवेलेबल हैं तो आप डायरेक्टली उन्हें ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब ड्राई होने के बाद इन सभी पेटल्स को हम हॉट ग्लू की हेल्प से यहाँ पर स्टिक करेंगे और ये जो लेडी का ड्रेस का फ्लेयर वाला पार्ट है उसे हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे। तो इस तरह से पेटल्स को आपको एक दूसरे पे थोड़ा ओवरलैप करते हुए यहाँ पर स्टिक करना है। सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट मिक्स मीडिया कि आप अपने घर में अवेलेबल सामानों का यूज कर क्रिएटिव आर्टवर्क बना सकते हैं। मुझे तो ये पिंक एंड गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपने कोई डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्राई किया है तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। अब इसे थोड़ा और गॉर्जियस एंड ग्लैमरस लुक देने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगी थोड़ा सा ग्लिटर। तो उसके लिए सिंपली मैंने यहाँ पेटल्स की बॉर्डर पर थोड़ा थोड़ा ग्लू अप्लाई किया है और ग्लिटर पाउडर को यहाँ पर स्टिक किया है। और जितना भी एक्सेस ग्लिटर पाउडर है उसे हम ड्राई ब्रश की हेल्प से यहाँ पर वाइप ऑफ कर देंगे। इसे थोड़ा और एम्बेलिश करने के लिए मैं यहाँ पे पर्ल बीड्स का यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से छोटा सा पीस कट कर मैंने यहाँ पर ये पर्ल बीड्स को ऐड किया है। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लग रही है। अब इसके बॉटम पार्ट पे ग्रास का इफेक्ट देने के लिए मैंने इस तरह से स्पॉन्ज में लिया है थोड़ा सा ग्रीन कलर और उससे यहाँ पर डैबिंग किया है। इन द सेम वे यहाँ बॉटल के माउथ पर मैंने पिंक कलर से डैबिंग किया है। और ये पेंट ड्राई होने के बाद यहाँ बॉटल के माउथ पर मैंने ग्लू अप्लाई करके पर्ल बीड से डेकोरेट किया है। तो इस तरह का कोई भी डेकोरेटिव लेस या बीड्स का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं इस 3D आउटलाइनर का यूज कर यहाँ फ्लावर्स के जो पोलन्स हैं यहाँ पे हम छोटे छोटे डॉट्स बना देंगे, इससे इसमें एक नेचुरल एंड रियलिस्टिक लुक आएगा।
तो इस तरह से हमने सभी फ्लावर्स पे यहाँ 3D आउटलाइनर की हेल्प से डॉट्स बना लिए हैं और इसे अब हम रखेंगे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए। अब ड्राई होने के बाद यहाँ बॉटल के बैक साइड पर मैंने अपना मैसेज लिख लिया है, क्योंकि ये बॉटल मैं अपनी फ्रेंड को एज अ बर्थडे गिफ्ट देने वाली हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए यूनिक एंड कस्टमाइज गिफ्ट्स बना सकते हैं, क्योंकि हैंडमेड गिफ्ट्स देने की बात ही कुछ और होती है। और यहाँ पर टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम इन्हें कैलीग्राफी लेटर्स का लुक देंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप सिंपल टेक्स्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और अब इस तरह से टूथब्रश में थोड़ा सा पिंक कलर लेकर हम यहाँ बॉटल पर बिल्कुल लाइटली स्प्रिंकल करेंगे, इससे इसमें एक रॉ एंड रस्टिक लुक आएगा। अब इसे मैं एक दिन के लिए सेट होने के लिए रखूंगी, ताकि इसका पेंट, डिकोपाज एंड ग्लिटर वर्क जो हमने किया था, एवरीथिंग उस पर अच्छे से सेट हो जाए। अब नेक्स्ट डे मैं इस पर अप्लाई करूंगी मॉड पॉज। आप चाहें तो वार्निश का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मॉड पॉज या वार्निश अप्लाई करने से हमारा जो आर्ट वर्क है वो डस्ट प्रूफ एंड मॉइस्चर प्रूफ हो जाता है, और इसके साथ ही हमारे आर्ट वर्क को एक शाइनी एंड ग्लॉसी लुक देता है। अब इसे हमें पूरी तरह से ड्राई होने देना है, और ड्राई होने के बाद ये देखिए कितना ब्यूटीफुल एंड शाइनी इफेक्ट आया है। आप चाहें तो इसे एज अ फ्लावर वास भी यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह की LED बॉटल लाइट्स का यूज कर इसे बॉटल लैम्प भी बना सकते हैं। और लाइट अप होने के बाद ये देखिए कितना एलिगेंट एंड ब्यूटीफुल लुक आ रहा है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये बॉटल डेकोरेशन आइडिया, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के यूनिक एंड ब्यूटीफुल बॉटल डेकोरेशन आइडियाज़ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। If you want to order any of our artwork, you can contact us through our website www.artbeatsforyou.com, or you can connect with us on our Facebook or Instagram handle. Thank you for watching. See you next time.